नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में, और जो लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। और मैं हूँ आपकी होस्ट और प्यारी सी दोस्त संगीता, और आप सबका हाथ जोड़ के मैं स्वागत करती हूँ अपनी वीडियो में। तो चलिए, आज की टॉपिक की बात करने से पहले मैं ये कहूँगी, हो सके तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, और इंस्टाग्राम आईडी है नागवंशी फैमिली। और वीडियो को प्लीज़ अगर लाइक अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दे देना, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ, और आप लोग के जो रिक्वेस्ट होते हैं उसी पे मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आप लोग के अगर कोई सुझाव हो, कोई जो है प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे साथ जो है मेल आईडी पे, इंस्टाग्राम आईडी पे, कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि रिप्लाई करने की, अगर रिप्लाई ना कर पाऊँ तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, और रिप्लाई ना भी कर पाऊँ तो ये मत समझिएगा कि मैं आपके कमेंट या मेल अब मैं पढ़ती नहीं हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सबके कमेंट और मेल पढ़ती हूँ, बस रिप्लाई करने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो भाग वाली ज़िंदगी में ज़्यादा मतलब किसी के पास टाइम नहीं होता, वही हाल मेरा भी है, और इसमें बहुत ज़्यादा जो है गर्मी का मौसम चल रहा है। तो आज की बात कर लेते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो मतलब मेरे हस्बैंड से जो है बहुत जलन रखते हैं, कि बहुत सारे ऐसे हर वीडियो में जो है क्वेश्चन आते हैं, जिन क्वेश्चन को पढ़ के कभी कभी मैं भी मतलब डीमोटिवेट हो जाती हूँ, क्योंकि जो है तुम्हारे हस्बैंड की किस्मत जो है कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी वाइफ उसको मिली है, और उसको तो जो है जन्नत नसीब हो गई बैठे बैठे घर पे। तो मैं एक बात बता दूँ, सबकी किस्मत जो है अच्छी होती है, बस उसको जो है अच्छा बनाने का तरीका आना चाहिए, और किसी की किस्मत ख़राब नहीं होती, क्योंकि जोड़ियाँ जो है ऊपर से बन के आती हैं, और किसी से इतना जलन नहीं रखना चाहिए। जैसे कुछ लोग मेरे हस्बैंड से इतना जलन रखते हैं और बोलते हैं भाग जाओ, दूसरी शादी कर लो, मेरे साथ ये कर लो, वो कर लो। आप एक बात बताओ, क्या आपके घर आपकी वाइफ को, आपकी बेटी को, आपके मतलब घर में कोई भी लेडीज़ हो, एक मैं उदाहरण दे रही हूँ, अगर कोई उनके साथ जो है ऐसी बात करे, ऐसा जो है ट्वीट करे, कमेंट करे, तो आप लोग मतलब क्या सोचोगे उनके बारे में, कैसा लगेगा, आप लोग कैसा रिस्पांस देंगे, आप लोग को अच्छा लगेगा? हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को अच्छा भी लगे, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता है, मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं अच्छी लगती हैं। आप लोगों के कमेंट में मुझे थोड़ी सी हंसी ज़रूर आती हूँ, हंस लेती हूँ, और थोड़ी सी मन में गुदगुदी भी होती है कि चलो लोग मुझे इतना पसंद करते हैं। तो जिस मतलब इंसान से आप लोग इतना जलन रखते हो, उनके साथ तो मुझे पूरी ज़िंदगी जो है यापन करनी है, पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। तो इतना जलन रखना अच्छी बात नहीं होती है, और जो आप लोग कहते हो नंबर दे दो अपना, नंबर दे दो अपना, और ये कर लो, वो कर लो, प्लीज़ अपना एड्रेस बता दो। तो कई लोग ऐसे हैं जो मुझे धमकियां भी देते हैं कि मैं अनसब्सक्राइब कर दूंगा, अनफॉलो कर दूंगा। तो मतलब मैं यही बोलूंगी, जो लोग मुझे समझते होंगे और पसंद करते होंगे, वो मुझे कभी अनफॉलो नहीं करेंगे, और कभी मुझे ऐसा कमेंट नहीं करेंगे कि मैं डिमोटिवेट हो जाऊं, क्योंकि अगर इंसान किसी को जो है पसंद करता है ना, तो उसको वो पूरी कोशिश करता है, 100% कोशिश करता है कि वो इंसान जो है उसकी वजह से कभी भी दुखी या हर्ट ना हो। मैं भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती हूँ। आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो मुझे इतना मोटिवेट करते हैं अपनी बातों से ना, कि मैं मतलब उसका कोई मतलब जवाब ही मैं नहीं दे सकती उन सब बातों का, जो लोग मुझे इतना प्यारा सा कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग इतना गंदा कमेंट कर देते हैं कि मैं हर्ट हो जाती हूँ। तो आज की टॉपिक कोई नहीं है, आज की टॉपिक है इतनी जलन क्यों भाई किसी के नसीब से। नसीब तो यहाँ सबके लिखा होता है, हर कोई पैदा होते ही लिखवा के लाता है भगवान से घर से। नसीब अपना खुद बनाओ। आज का ज़माना जो है टीवी मोबाइल हर चीज़ का है, लेकिन जब हमारा समय था तब जो है ना ही टीवी मतलब थी किसी के घर में, ना मोबाइल था। और मैंने मोबाइल पहली बार जो है 2006 में देखा था,
हाँ मुझे याद है, वो भी कीपैड वाला मेरे ससुर के हाथ में पहली बार मैंने देखा था। और उसके बाद जो है मेरे घर में किसी के पास नहीं था 4-5 साल तक, 2011 तक किसी के पास नहीं था। और जहाँ मतलब मैं रहती हूँ, मेरा मायका है, वहाँ पे तो किसी ने मोबाइल देखा ही नहीं था। अब पूरे गांव में सिर्फ एक घर मेरा ऐसा था जिसके घर में जो है टीवी थी। वो भी टीवी कैसी थी आप लोग ये भी जान लो, ऐसे टीवी थी उसमें जो है लकड़ी वाला शटर रहता था, ऐसे खोलो खुल जाए, बंद करो ऐसे शटर खिंच जाए, इस तरीके की होती थी। और जब हमारी शादी हुई थी तब ना ही मैंने अपने हस्बैंड की एक झलक देखी थी, उनकी परछाई तक नहीं देखी थी कि वो कैसे दिखते हैं कैसे नहीं हैं। मैं तो अभी भी उनके सामने कहती हूँ कि अगर मैं तुम्हें देखी होती तो कसम से मैं शादी नहीं करती। मैं कभी कभी कह भी देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट आते, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग कहते हैं सच्ची में नहीं करती। तो इतना रोमांस करने वाला पति कहाँ से तुम्हें मिलता है, इतना जो है खुश रखने वाला पति कहाँ। कहते ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन मजाक मजाक में जब मैं बोल देती हूँ तो नर्वस उदास हो जाती हैं, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनसे दुगना प्यार मैं उनको करती हूँ। और प्यार की कोई सीमा नहीं होती है, ऐसा हम दोनों के बीच में भी है, हम दोनों के प्यार की भी कोई सीमा नहीं है। लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर एक हो जाते हैं, सब कुछ खट्टी मीठी यादें हैं हमारी ज़िंदगी की। तो उन खट्टी मीठी यादों में जो है ना, कुछ लोग ऐसे जो है घी में आग डालने, मतलब आग में घी डालने का काम करते हैं, आग लगाते हैं, मुझे भड़काते हैं इंस्टाग्राम पे भी, ऐसे मेल पे भी, आप ये कर लो आप वो कर लो, अपने हस्बैंड से ठीक से बात ना करो। भाई मैं दूध पीती बच्ची तो हूँ नहीं कि कोई मुझे सिखाएगा और मैं जो है चेंज हो जाऊँगी। ऐसा कैसे आप लोग सोच लेते हो यार, कुछ लोग ऐसे कैसे सोच लेते हो। मैं सिंदूर उनके नाम का लगाती हूँ, मंगलसूत्र पहनती हूँ उनके नाम का, छोला श्रृंगार उनके नाम का करती हूँ। इतने साल हो गए हमारी शादी को, अच्छे हैं बुरे हैं कैसे हैं जो भी हैं जैसे हैं, हम दोनों साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। ये जुड़ी जोड़ी जो है भगवान ने बनाई है और वही तोड़ेंगे जब टूटना होगा। आखिरी पल किसका पहले आएगा मुझे नहीं पता है, लेकिन भगवान से मैं दुआ ही हमेशा ये करती हूँ, भगवान मैं जब भी मतलब मैं आखिरी सांस लूँ तो अपनी हस्बैंड के बाहों में लूँ और सुहागन होके मैं मतलब मेरी आखिरी सांस चले, इतनी मतलब भगवान से मेरी प्रार्थना हमेशा रहती है। तो प्लीज़ इतनी जलन मत रखो यार, ऐसे प्यार करते हो उसकी मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। आप लोगों में से कुछ लोग मुझे हद से ज़्यादा धमकियाँ भी दे देते हो, मुझसे बात नहीं करोगी, ये कर लूँगा वो कर लूँगा, जान दे दूँगा, फलाना ढमाका, बहुत लोगों ने मुझे धमकाया है तब जाके मैंने ये वीडियो बनाया है। यार आप लोगों के धमकाने से मैं डर जाऊँगी क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे पता है मुझे लाइफ में अपने कैसे जो है रहना है, कैसे क्या करना है, ये मेरी लाइफ है मेरी ज़िंदगी है, अब मुझे इसको बेहतर बनाना है। इस चीज़ में मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, ना कि मुझे अपनी ज़िंदगी में अपने हस्बैंड से अलग होने के लिए आप लोगों का साथ चाहिए। कोई अगर आपको अपनी उंगली पकड़ाता है इस तरीके से तो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कभी ना करें। मैं अगर आप लोगों से हेल्प मांगती हूँ, सहायता मांगती हूँ, सपोर्ट मांगती हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी गलत तरीके से आप लोगों को इशारे करती हूँ। क्या मैंने कभी किसी से कहा मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, तुम नहीं मिली तो मैं जी नहीं पाऊंगी, इस तरीके के कमेंट क्यों करते हो? अच्छा लगता है, मुझे हंसी आती है कुछ लोगों के जो है सोच पे, कुछ लोगों की बातों पे, कि कैसे ऐसे जो है कमेंट कर लेते हैं, कुछ सोचते नहीं हैं कि किसी की माँ है, बेटी है, बहन है, बीवी है, और उनके जो रिश्ते हैं वो लोग क्या सोचेंगे, जिनके साथ मैं जुड़ी हूँ वो लोग क्या सोचेंगे। तो चलता है, सबकी लाइफ में चलता है, मेरी लाइफ में भी ये सब चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। और इधर बीच से 2-3 लोग विदेश से हैं और पीके से हैं, पाकिस्तान से हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। अब मेरा वीडियो बनाने का रीज़न यही था, उन 3-4 लोग, 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, और
इतना ज़्यादा वो लोग मुझे तंग कर रहे हैं हर तरीके से, सभी चैनलों पे मेरे तंग कर रहे हैं मुझे, हर तरीके से मुझे जो है डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, गंदे से गंदा जितना गंदा हो सकता है उतनी गंदे वर्ड बोलते हैं। आपकी मैं कमेंट एक बार देखूंगी गंदा, दो बार देखूंगी, चार बार देखूंगी, छह बार देखूंगी, 10 बार देखूंगी, 11वीं बार मैं हाइड कर दूंगी, फिर आप मेरे चैनल पे कभी कमेंट नहीं कर पाओगे। और मैंने ऐसा कर भी दिया, 4 लोगों के साथ कर दिया, एक बचा है। तो मैं आप लोगों को एक सीख देना चाहती हूँ कि प्लीज़ किसी को इतना तंग या फोर्स मत करो कि बंदा ऐसा करने पे मजबूर हो जाए। चैनल मेरा, होस्ट मैं हूँ, आप लोग होते कौन हो मुझे इतने गंदे वर्ड बोलने वाले। मेरे इतने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, 4-5 लोगों की वजह से मैं डीमोटिवेट क्यों हो जाऊँ? जो मैंने 4-5 दिन वीडियो नहीं डाली ना, उसका रीज़न ही यही था, ये 4-5 लोग मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर दिए, इतना ज़्यादा परेशान कर दिए कि मैं एकदम, मेरा दिमाग चकरा गया कि यार अपने अपने देश के लोग इतना ज़्यादा मुझे परेशान नहीं किए, अपनी इंडियन जो मेरी फैमिली है, बांग्लादेश की फैमिली है, सऊदीया की है, कनाडा की है, सिंगापुर की है, अमेरिका की, बहुत ज़्यादा मुझे लोग देखते हैं, बहुत ज़्यादा विदेश के लोग देखते हैं, अफ्रीका की है, नेपाल की है, चाइना की है, ब्रिटेन की है, बहुत ज़्यादा विदेश के लोग देखते हैं। मैं किन किन देशों का नाम लूँ, किसी ने मुझे इतना गंदा मतलब वर्ड नहीं बोला जितना गंदा इन 4-5 लोगों ने मुझे बोल दिया। ये प्लानिंग करके आए थे, बोले कि तुम्हारा चैनल हैक कर लूँगा, ये कर लूँगा, तुम्हारे साथ वो कर दूँगा, इतनी गंदी गंदी बातें, तुमको जान से मार दूँगा, ये सब मतलब बातें सुनने के बाद मैं ऐसे टेंशन में रहा करती थी। अपने हस्बैंड से भी मैंने नहीं डिस्कस किया, क्योंकि मैं सोचती थी कि इनको कैसा लगेगा। ब्लॉग वाले चैनल पे पहले उन्होंने परेशान करना शुरू किया, तो 4-5 दिन उन्होंने किया, मैंने मैसेज देखा, इग्नोर किया, इग्नोर किया, 6ठे दिन मैंने ब्लॉक कर दिया, हाइड कर दिया, नहीं कर सकते उस चैनल पे। फिर दूसरे चैनल पे भी ऐसा किया, फिर उस पर भी मैंने यही किया, फिर तीसरे पे किया, उस पर भी यही किया, चौथे पे भी यही किया। प्लीज़ इतना परेशान मत करो यार, मैं भी एक औरत हूँ और मेरा भी एक छोटा सा घर परिवार है, जियो और जीने दो। मैं संदेश देना चाहती हूँ आप लोगों को एक, कि मैं एक भारतीय नारी हूँ और मुझे बहुत अच्छे से सिखाया गया है कि मुझे कैसे रहना है, क्या करना है अपनी ज़िंदगी में, क्या नहीं करना है। और किसी के सिखाने या बहलाने से मैं बहल नहीं जाऊंगी, या अपने हस्बैंड को या परिवार को छोड़ के चली नहीं जाऊंगी। और जान से मारने की धमकी देना बंद करो, मैं डरती नहीं हूँ, जान लेनी है ले लो, जब जाना होगा मुझे चली जाऊंगी मैं। इतनी दिन की भगवान ने ज़िंदगी लिखी होगी, वो तो किसी के बस में नहीं होगी, मौत किसी के बस में नहीं होता है, तो मेरे भी बस में नहीं है। आंसू भर रहे हैं आंखों में, क्योंकि हर्ट हुई है मैं उनके बातों से। चलिए इससे पे वीडियो ख़त्म करती हूँ, मैं बंद करती हूँ। और प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसा वर्ड ना बोले जिससे मुझे दुख पहुँचे और मैं अपसेट हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।